जैसे ही अमृत भारत क्लास को समय छोड़ के जाएगा हमें यहाँ पे ट्रेन चालू कर देंगे और वो निकल चुका है आगे, तो जल्दी से ट्रेन को चालू कर देते हैं और रेस हो चुकी है हमारी चालू। यहाँ पे देखिए पता नहीं क्यों हमें ट्रेन को रोक के रखा गया, हो सकता है यहाँ पे कोई ट्रेन आने वाली है, कुछ तो चक्कर है, या पीछे वाली ट्रेन का भी वेट कर लेते हैं, वो भी आने वाली होगी। उसके यहाँ पे एक ट्रेन और खड़ी हुई है, वंदे भारत, दो सेमी हाई स्पीड वंदे भारत, वो भी एक ही स्टेशन पे, दीदारगंज स्टेशन पे दोनों खड़ी हुई है। क्या लुक है। और यहाँ पे देखो हमसे रेस लगाने के विचार में ये यहाँ पे अमृत भारत को क्या पछाड़ा, क्या 100 की स्पीड में क्रॉस करके पीछे निकाला है। जब लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं बंका घाट स्टेशन पे एक वंदे भारत पीछे जा रही है, एक हमारे साथ रेस लगाने के लिए पूरी तरीके से तैयार होकर आगे निकल चुकी। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं सब, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो गाइस आज के वीडियो में लेकर आ चुका हूं भारत रेल सिम का नया अपडेट आया है, कल मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, नहीं देखी जल्दी जाके देख लीजिए। लेकिन उससे पहले यहां पे नए अपडेट में जो ट्रेन आई थी उसके साथ आज हम पैरेलल रेस करने वाले हैं, और पैरेलल रेस जो होगी वो दो सुपर फास्ट इंडिया की सेमी हाई स्पीड ट्रेन के बीच होने वाली है। ठीक है, तो अपडेट के बारे में भी थोड़ा बहुत हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यहाँ पे इस वीडियो को पूरा एंजॉय करिए। ठीक है, जैसा कि टाइटल और थंबनेल देख के तो आप समझ गए होंगे क्या हम करने वाले हैं, इसलिए मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, आपको कुछ नहीं बताने वाला। समझ गए तो ठीक है, नहीं तो आप मत समझो मुझे क्या है, ठीक है, मेरा क्या जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे गेम हो चुका है हमारा चालू, और यहाँ पे जैसे ही शुरू हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वंदे भारत बीच में हमारी एक और अमृत भारत एक्सप्रेस, और यहाँ पे खड़ी है हमारी एक और वंदे भारत। तो यहाँ पे कुछ नियम कायदे मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो जा रही है हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस, इसके साथ आज हम पैरेलल रेस करने वाले हैं, ट्रेन को अभी हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। नियम ये है कि जैसे ही इसका लास्ट कोच है अमृत भारत का, जैसे ही ये हमारे लोकोमोटिव को क्रॉस करेगा आगे निकल जाएगा, तब हम हमारी ट्रेन को चालू करेंगे, जिससे कि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगी पैरेलल रेस और टक्कर देने में मजा आएगा। तो यहाँ पे ये निकलने वाला है हमारे कोच के आगे, और यहाँ पे बूम, तो जैसे ही ये निकला हमने जल्दी से थ्रॉटल किया आगे, और ट्रेन ने हॉर्न बजाने के साथ साथ हमारी वंदे भारत भी आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बंका घाट से शुरू होगी जर्नी और दीदारगंज तक की हमारी जर्नी होने वाली है, तो यहाँ पे देखेंगे कौन यहाँ पे जीतता है। वैसे तो सही बता दूं एनमैन गेमिंग के आगे कोई जीत सकता है क्या, कोई जीत ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटीज काफी कम है, कोई होगा बस भगवान को छोड़ के, बाकी तो कोई है ही नहीं जो एनमैन गेमिंग को हरा पाए। ठीक है, अगर ये जो आगे निकल के चली गई हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस, अगर वो हमारी ट्रेन होती ना, उसे अगर हम ड्राइव कर रहे होते तो वो जीतती, और अभी फिलहाल हमारे पास ये वाली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत है तो ये जीतेगी, मतलब जो ट्रेन हमारे पास होगी वो वाली ऑफकोर्स 100% जीतेगी। तो यहाँ पे बस एक ही जगह मुड़ती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैक को चेंज किया, बस इसके अलावा ये कहीं पे भी ट्रैक नहीं चेंज करेगी, ये सीधी दौड़ती जाएगी। यहाँ पे थोड़ा मजा और आता है जब ट्रैक चेंज करती दूसरी तरफ मुड़ जाती, एक ट्रैक दूसरी तरफ साइड चला जाता। खैर अभी तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे नया अपडेट रिसेंटली आया था, तो नए अपडेट में उन्होंने धमाकेदार यहाँ पे अमृत भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया था। ठीक है ना, बाकी तो सब ओवरऑल देखा जाए तो बाकी तो सब ठीक है ना, अभी नया अपडेट है तो ज्यादा उम्मीदें तो कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे पहला ही अपडेट इतना धमाकेदार दिया था, तो होप कर सकते हैं कि आने वाले अपडेट भी अच्छे खासे होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो वाली जो ट्रेन थी अमृत भारत एक्सप्रेस वो काफी आगे जा चुकी है, मतलब बहुत ही आगे, दिखने ही बंद हो गई इतनी खासी स्पीड से भागी गई है वो यहाँ से। तो यहाँ पे 90 की स्पीड में थी, और अभी हमारी 90 की स्पीड में है, लेकिन 90 से ज्यादा की हमने बढ़ा ली, 100 को टच कर लिया, 100 से आगे ऊपर जाती नहीं है इस गेम में कोई ट्रेन। लेकिन यहाँ पे अगली बार जब हम रेस करेंगे ना, तो हम स्पीड लिमिट के अंडर ही हमारी ट्रेन को ड्राइव करेंगे, तो यहाँ पे हमने हमारी वंदे भारत यहाँ पे सेमी हाई स्पीड यहाँ पे अमृत भारत एक्सप्रेस को पीछे छोड़ के जा चुकी है। और ये देखो क्या गजब तरीके से हॉर्न बजा, यहाँ पे कोई रेड सिग्नल की वजह से यहाँ पे इस ट्रेन को रोक दिया गया, आई डोंट नो क्यों, वैसे यहाँ पे रोक दिया गया है, पता नहीं क्यों, वैसे रोकना नहीं चाहिए था, इसे चालू रखना चाहिए था। लेकिन अच्छा एक चीज समझ गया, मैं समझ गया इसे क्यों रोका गया, आप बस इस वाले ट्रैक पर नजर रखिए जिस पे वो आने वाली थी, ये जो हमारे पास वाला ट्रैक है इस पे वो आने वाली थी, तो इस पे एक चीज मैं बताऊंगा, मतलब रीजन बताऊंगा कि उसको क्यों रोका गया। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमारी ट्रेन यहाँ पे एक काम करते हैं, रोक के देख लेते हैं, हो सकता है वो पीछे से आ रही हो, उसकी स्पीड कम हो, तो थोड़ा ये दे दे यहाँ पे वेट करके देखते हैं क्या वो आ रही है या नहीं, जैसे कछुआ और खरगोश की रेस हुई थी वैसे यहाँ पे भी हम रेस करके देखते हैं। हमारी जो ट्रेन है वो अभी खरगोश है, ठीक है, वो कछुआ थी पीछे वाली, लेकिन हमें नजर रखना है, हम सोएंगे नहीं यहाँ पे कछुआ जैसी, मतलब ऐसा नहीं कि खरगोश बन के यहाँ पे सोई जाए, तो यहाँ पे वेट भी करेंगे, तो नजरें रखेंगे, जैसे ही वो ट्रेन आ गई हम यहाँ से फिर से दौड़ना शुरू कर देंगे, मतलब भागम भाग चूहे बिल्ली का खेल यहाँ पे हो जाएगा। बस उम्मीद यही करना है कि वो यहाँ पे आ जाए, क्योंकि अगर नहीं आएगी तो मतलब पूरा प्लान चौपट हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे वंदे भारत का लुक बहुत ही गजब आता है, बहुत ही गजब यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अभी तक तो वैसे हॉर्न वॉर्न किसी की भी आवाज नहीं आ रही मुझे, और यहाँ पे खड़ी हुई है
रिवर्स भी नहीं जा रही है। चलो छोड़ो रिवर्स, वैसे मैंने करके देखा रिवर्स पता नहीं क्यों नहीं जा रही। नहीं, हम रिवर्स से चलते हो और उसके पास चलते हो वापस उस ट्रेन को और हाल चाल पूछ के आते हो उसे, ठीक है। लेकिन फिलहाल आगे चलते हैं क्योंकि टाइम बर्बाद हो रहा है। वो आ तो वैसे भी नहीं रही, उसे वहाँ पे रोक दिया गया है, ठीक है। और क्यों रोका गया वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए थोड़ा पूरा वीडियो को एंड तक देखिए। कैमरा एंगल चेंज कर लेते हैं। वंदे भारत में यही प्रॉब्लम है कि लिमिटेड कैमरा एंगल है, ठीक है ना। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो वो आगे कोच में पहुँचते जाते हैं, तो ये मतलब थोड़ा सही नहीं है। मतलब अलग अलग कैमरा एंगल होने चाहिए थे। लेकिन जो राजधानी है इस गेम में और हमारी ICF कोच है, उसमें कैमरा एंगल सही तरीके से चेंज होते हैं। तो ये ब्रेक जो पीछे से निकल के आया, इसका मतलब यहाँ पे हमें ब्रेक अप्लाई करने शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्टेशन आने वाला किसी सिटी में हमारा अराइवल हो चुका है। इस ब्रिज का मतलब ये ही है, सीधा सैंपल से फंडा है कि थोड़ी सी दूरी पे हमारा स्टेशन रह गया है, ठीक है। तो चलते हैं और ये लुक देखिए भाई साहब, क्या सनलाइट यहाँ पे आ रही है। दिन का टाइम हो चुका है, अभी मॉर्निंग टाइम भी होने वाला, सॉरी मॉर्निंग नहीं, इवनिंग टाइम भी यहाँ पे होने वाला। अभी सनसेट हुआ तो सनसेट में आपको येल्लो थोड़ी सनलाइट देखने को मिलेगी जैसे हम स्टेशन पे पहुँचेंगे। और ये देखो गजब, मतलब क्या गजब लुक आता है। थोड़ा इसे और मतलब सही किया जा सकता था। ये जो ब्लू कलर है मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा ही डार्क, थोड़ा ज़्यादा ही ब्राइट हो गया। इसको थोड़ा हल्का सा डार्क कर सकते थे थोड़ा सा, बाकी तो ठीक है, जो भी हो ओवरऑल देखा जाए सही है। तो यहाँ पे येलो सिग्नल हमें मिल गया, मतलब टाइम आ चुका है यहाँ पे सिग्नल को मैनेज करने का। लेकिन यहाँ पे सामने से स्टेशन आ चुका है, फिर भी हमारी ट्रेन 100 की स्पीड में यहाँ पे दौड़ के जा रही है। कैमरा एंगल जल्दी चेंज करते हैं और ब्रेक अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। और ये देखो रुकेगी या नहीं देखना हुआ, रुक जा, रुक 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 जा, रुक जा रुक जा रुक जा, आगे क्रॉस नहीं करने का, क्रॉस नहीं करने का। हॉर्न बजाने के साथ साथ हमारी ट्रेन आगे बढ़ रही है। और यहाँ पे अच्छा एक चीज अब मैं बताता हूँ कि वहाँ पे जो पीछे हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस को रोका गया था, वो इस वाली ट्रेन के चक्कर में रोका गया था। उसी वाले ट्रैक पे ये सामने वंदे भारत खड़ी हुई है। अगर वो हमारे साथ पैरेलल रेस करते हुए यहाँ पे आती तो फिर आपको पता ही क्या हो जाता, इसलिए वहाँ पे उसे रोक दिया गया था। क्योंकि यहाँ पे केवल दो ही है, एक अप डाउन वाले यहाँ पे केवल दो ही ट्रैक हैं, चलिए उसको वहाँ पे रोक दिया गया था। फिलहाल यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे दो सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ पे खड़ी हुई है दीदारगंज स्टेशन पे। और गजब लुकारा भाई साहब, क्या गजब लुकारा। यहाँ पे येलो सिग्नल दिया गया, मतलब थोड़ा आगे हम और जा सकते हैं। दीदारगंज स्टेशन यहाँ पे खत्म हो चुका है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी का यहाँ पे फोटो भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। कोरोना से दूर रहे यहाँ पे। ओ नहीं, रेड सिग्नल हो गया, रेड सिग्नल ओके। तो जैसे हमने येलो सिग्नल को क्रॉस किया तो रेड सिग्नल यहाँ पे हो चुका है। बाकी तो यहाँ पे ये तो वंदे भारत खड़ी है, इसका तो कुछ लेना देना है ही नहीं। और उसको आप समझ गए होंगे इसलिए रोका गया था क्योंकि उसकी ट्रैक पे यहाँ पे ये वंदे भारत खड़ी हुई है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में लाते रहता हूँ। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, हिट द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज। मिलते हैं कल रात 9 बजे वाली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।